बहुत ही अच्छे सामाजिक कारकुन है जनाब रिजवान मिस्टर साहब, उनका इस्तकबाल है।
हालांकि ये काम मेरा नहीं था, इसे मुझे अंजाम देना है तस्वीर रखे। बहरहाल मैं जिक्र कर रहा था उस खान वाले का, तो मदार छिले का बहुत ही आला खानदान है जनाब जौ कुरैशी साहब, उनका ही आला तालीम याफ्ता है, यासीन भाई के क्लासमेट हैं, रेस स्कूल से ही पढ़े हुए हैं और बहुत ही बाजौक है जनाब जौ कुरैशी साहब। हमारे भाई मोहतरम जनाब दीगर तमाम मेहमान वो मेज़बान शोरा इकराम मोहतरम खातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बात जफर साहब की है, आज उनकी ताज़ियती जलसा है ये इस शहर में, जिससे उनका बड़ा गहरा रिश्ता था हमारे शहर से। मुझे याद है आज से 25-30 साल पहले, देखिए दो गवाह और मौजूद हैं, गोखरू के खून की रस्म इजरा हुई थी हमारे शहर में, उनका शेरी मजमुआ था गोखरू के खून। मुझे याद नहीं है कि इसका यासीन भाई का था, ड्राइवर साहब की थी, शब्बीर राय साहब की थी, बल्कि वो जरा बरहम थे, अल्लाह उनकी मफरत फरमाया, हमारे बुजुर्ग थे। बहरहाल वहां ये दोनों आदमी मौजूद थे गोखरू के फूल की उस रस में जरा। तो जफर साहब का बहुत कदीम रिश्ता हमारे अपने शहर से, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए अच्छे से। और जफर साहब तरक्की पसंद शोरा के, अगर हम मुंबई की बात करें तो बहुत अहम और बहुत नुमाया मकाम था उनका। फिल्मों में भी उन्होंने शायरी की, गोखुल को खुद से भी चार पांच शेरी मजमू हमारे दरमियान आए। और जैसे कभी शकील ने फरमाया कि गोरखपुर की मिठास दिन में थी और मुंबई का खारापन भी था, ये मुंबई का खारापन जो उन्होंने कहा, जो जिंदगी में उनकी तलखी थी, जो सच्चाई थी, मुंबई की शबरोज में गुजारते हुए उन्होंने जिस तरह से अपने आप को, अपनी शायरी को हमारे दरमियान पेश किया, वो अपनी मिसाल आप है। उसमें तंज भी है, उसमें जिंदगी की बड़ी कड़वी सच्चाई भी है, जिसको शकील साहब ने खारापन कहा और उनके अशआर में जगह जगह इस बात की झलक मिलती है, उनके मुख्तलिफ शेरी मजमू में हम पाई जा चुके हैं। तो दोस्तों मुझे कहना यह है कि जफर साहब की जिंदगी में जो कुछ हुआ वो अपनी जगह, लेकिन जफर साहब के इंतकाल के बाद हमारा ही फर्ज बनता था, ये उस सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन उसके बावजूद मैं चाहूंगा कि जफर साहब की शायरी पर बहुत सारा काम होना बाकी है, बेपनाह काम होना बाकी है। यकीन जानिए आप उनकी शायरी, उनके एक एक शेर किस तरह से, यानी मैं अगर बॉम्बे के इस अयाम के आखिरी दो शेर का नाम, दो शायर का नाम लूं, तो एक नाम उभर कर आता है जफर गोरखपुरी और दूसरा नाम उभर के आता है कैसमन जाफरी। अब पता नहीं क्यों, ये मेरी अपनी फीलिंग्स है, मेरी अपनी समझ है, इन दोनों के साथ कुछ नाइंसाफी हुई, उनका हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जफर साहब के साथ भी यही हुआ और कैसर साहब के साथ भी यही हुआ। घर आके बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी थे सस्ते, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते नहीं मिले। ये कैसर साहब थे, जफर साहब ने अपनी शायरी में जितनी बातें की हैं गोखरू के फूल में, कुछ अशार मैंने नोट किए हैं, देखिए आप, छत टपकती थी अगरचा फिर भी आ जाती थी नींद, छत टपकती थी अगरचा फिर भी आ जाती थी नींद, मैं नए घर में बहुत रोया पुराने के लिए, मैं नए घर में बहुत रोया पुराने के लिए। जफर साहब इस तरह की सब बात, हमारी वो तहजीबी कदरें, हमारी वो रवाया, हमारी वो सकाफत, उसके उसकी तर्जुमानी करते हैं इस तरह के, उनके आप बेशुमार आसान मिलते हैं, दोहे हैं उनके, दोहों मुझे याद तो नहीं रह गए लेकिन बहुत सारे दोहे उनके हैं।
और मेरी उनकी आधी तफसील मुलाकात मालेगांव के मुख्यालय में हुई थी, क्योंकि वो विभाग के सालनामा जश्न में आए थे और वहीं तकरीबन एक होटल में एक ही कमरे में हम लोगों का काम था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जफर साहब ने देखिए किस तरह से बात करते जिंदगी की सच्चाई को, उस कड़वाहट को, उस हकीकत को कि ये एक रात में कैसे अमीर बन बैठे, ये एक रात में कैसे अमीर बन बैठे, ये सत्य भी मेरे साथ मांगने वाले। तो इस तरह की सच्चाई, इस तरह के तलखी के साथ, इस तरह के कड़वाहट के साथ जफर साहब के यहाँ जा बजा अखबार में मिलेगी। और बहुत सारी चीजें फिर देखिए कि वो किस तरह से अपने उस शेर में अपनी शरीक हयात को शरीक करते हैं। और ये कहानी, ये शेर अगर हम देखें तो हम पर और आप पर ऐसा लगता है कि हमारी बात वो कर रहे हैं, वो उस सतह पर आके कर रहे हैं जिसे अवामी सतह कहा जाता है। तो कहते हैं कि हाँ देखिए वो फरमाते हैं कि मैं जफर ताजिंदगी परदेश में बिकता रहा, मैं जफर ताजिंदगी परदेश में बिकता रहा, अपने घरवाले को एक कंगन गिराने के लिए, अपने घरवाले को एक कंगन गिराने के लिए। तो दोस्तों जफर साहब का एक बहुत तवील रिश्ता रहा है तरक्की पसंद तहरीक से, और उनकी शायरी पर बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। मैं अपनी जानिब से और अपने शहर की जानिब से, आप सब की जानिब से ये वादा करता हूँ कि आइंदा जफर साहब पर जो भी काम होना बाकी है हम उसमें खान वाले जफर गोरखपुरी के साथ हैं, और हर एतबार से जो भी उनको हो सकेगा दामे दर में सुनने हमारा शहर, हमारे शहर के जीवन है उसकी मदद करेंगे। इन अल्फाज के साथ जफर साहब को खिराज की तरफ पेश करते हुए आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के इस मुशायरे का, आज की इस तादरीसी नशीस का मैं इफ्तिताह करता हूँ।